व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस बात ऐसी है, आज मैं नीरज चोपड़ा से मिलने जाने वाला हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना। तो यार वो मतलब ज्यादा दूर, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं रहता, मेरे लगभग 20 किलोमीटर के रेंज में ही रहता है, 20-25 किलोमीटर के रेंज में ही रहता है, वो ज्यादा दूर नहीं रहता। ठीक है, तो उससे मैं मिलने जाने वाला हूँ गाइस। ठीक है, देखते हैं वो हमसे मिलता है कि नहीं मिलता। कहाँ ही मिलेगा भाई, बड़ा बंदा है यार, सुपर स्टार बन गया वो, हमसे कहाँ मिलेगा। लेकिन फिर भी चलते हैं उसके गांव, उसके घर दिखाऊं तो सही, वो रहता कहाँ है, उसका घर कैसा है, और देखते हैं क्या बनता है आगे चल के। तो चलते हैं गाइस उसके पास। तो भाई लोग हम आ चुके हैं अभी, मतलब ये सीधा रूट जाना, बस डायरेक्ट फिर हम पहुंच जाएंगे वहां पे। ये देखो ये लगा रखा ना बोर्ड सा, फिर हम सीधा खंदरा पहुंच जाएंगे, फिर घर चलेंगे और जरा देख के आते हैं उनका घर कैसा है, क्या हिसाब है। यार इधर ऑटो नहीं जाता, एक भी बस ये है, इधर से लिफ्ट ही मांगनी पड़ेगी। इधर से तो लिफ्ट ही मांगनी पड़ेगी, ऑटो भी मिल जाएगा लेकिन वही है 100 में रेयर। तो गाइस रेयर ऑटो मिलेगा इधर बहुत ज्यादा ही, बाकी देखते हैं अगर मिल जाए तो अच्छा, वरना लिफ्ट मांग के चलेंगे और क्या करें। ये है थोड़ी दूरी है, हाँ 7-8 किलोमीटर। यार क्या करें, सारे इधर जा रहे बाइक से, भाई लिफ्ट मिल जाए रहे। एक खंदरा जाओगे भाई है? मेरे को भी ले चलोगे साथ में? आज भाई ठीक है, चलो गाइस एक लिफ्ट तो मिल गई वैसे। तो भाई लोग अपन तो जा रहे हैं, तो फाइनली गाइस हम नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा पहुंच चुके हैं, आपको बोर्ड दिख गया होगा। यार पुलिस कितनी है यहाँ पे, तो भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं नीरज चोपड़ा के गांव में फिलहाल, और देख सकते हो कितनी पुलिस ही पुलिस हर जगह भाई साहब। भाई कुछ भी कहो, वो सेलिब्रिटी बन गया वो। क्या क्या लू इसकी? अच्छा ये तुम यही रहते हो क्या, ये खंदरा गई हो तुम? ओ भाई, अरे तो भाई लोग ये देखते हैं सारे सारे नीरज चोपड़ा के दोस्त हैं ये लोग। स्टेडियम में, शिवाजी स्टेडियम में पाला, इसके खोए में इसमें चटकी बनी थी पाला बगाने, मजाक नहीं पड़ा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने? एक बार मिलना मेरे को, मुझे चमड़ा से मिलवा दे, मिलवा दे आज 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 मुझे याद 1:30 बजे तो आपको टाइम नहीं लगा, कल आइए तू, टाइम पर लगा कल आइए, ज्यादा भीड़ है कल आइए तू, ज्यादा ही भीड़। ओ भाई साहब भीड़ तो देखो कितनी है,
ढोलक ढोलक बज रहे भाई, बड़ी दूर दूर से आया मिलने के लिए भाई, मिलने के आ रहा हूँ, फोटो खिंचवा रहे। आएंगे भाई वो नीरज चोपड़ा। तो गाइस इनकी सिक्योरिटी है थोड़ा ही, तो गाइस अगर किसी को सिक्योरिटी चाहिए हो, किसी मतलब कोई बड़ा पर्सनालिटी हो कोई, तो उनके लिए सिक्योरिटी के लिए आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्या नाम है आपकी सिक्योरिटी उसका? हरियाणा नंबर वन बाउंसर ग्रुप है। हरियाणा नंबर वन बाउंसर ग्रुप नाम है, ठीक है। और कहाँ पर है ये आपका जो वो है? हरियाणा के सभी सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं, सभी सेलिब्रिटी है जितने हरियाणा के सभी के साथ काम करते हैं। आज नीरज चोपड़ा जी के भी साथ काम कर रहे हैं हरियाणा नंबर वन बाउंसर ग्रुप। आप जो वो ऑफिस कहाँ है आपका? अपना ऑफिस पानीपत में। मैं भी पानीपत से आया हूँ। थैंक यू। तो भाई साहब बड़ी दूर दूर से बंदे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और भीड़ भी हो रही है। तो फिलहाल यार मैं सोच रहा हूँ, अभी नीरज चोपड़ा भी आए नहीं है यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ यार। देख लो पसीने पसीने हो गए भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा सीरियसली, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, गर्मी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा सीरियसली। अभी नीरज चोपड़ा से मिलने आए हो भाई साहब? कहाँ से आए हो? भाई साहब लग रहे हैं मुझे। यार बहुत ज्यादा भीड़ है, सीरियसली बहुत ही ज्यादा भीड़ है भाई साहब। मेरे को लग नहीं रहा मैं यहाँ पे ज्यादा देर खड़ा रह पाऊंगा, मेरे को इतनी गर्मी लग रही है मैं बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और जब से मतलब वो अभी उसकी रैली आई कोई भाई, वो इतने बंदे आए हद नहीं जिसकी भाई। मैं थोड़ा भीड़ से अलग हूँ, साइड पे आकर बैठा हूँ, भाई बहुत गर्मी लगती है सीरियसली। मेरे को तो मेरा दिल खराब हो रहा था, मैं साइड में आकर बैठ गया। मैं तो जब वो आएगा तब देखेंगे, अभी फिलहाल साइड में बैठ जाता हूँ, देखते भाई दर्शन होते कि नहीं उनके। नमस्ते अंकल जी। तो आप यही रहते हो? नहीं। आप भी मथौड़ा? अच्छा मथौड़ा से आए हो आप भी? आप भी मिलने आए हो हैं भाई साहब? क्या लगता है फिर इतनी भीड़ हो रही है, मिल पाएंगे? पब्लिक भी बहुत ज्यादा है, प्रोग्राम तगड़ा है। हाँ प्रोग्राम तगड़ा है। खाना खाया? खाना खाना मैंने कुछ नहीं खाया अभी। मैं खा रहा अभी। चलो मैं भी जाता हूँ फिर। पेट जरूरी है। मेरे को भूख लगी रही थी, मैं सोच रहा था कहीं कोई मिल जाए दुकान वगैरह। नहीं, नहीं, खाना है इधर ही है। रसगुल्ले खा, जलेबी खा, जो मर्जी कुछ भी खाओ। चलो देख के आता मैं अभी। कोई पैसा लगता? घर किधर है उनका? उधर ही है घर। चलो मैं जाकर देखता हूँ।
खाना खाया पेट में कुछ हो जाएगा, हाँ भूखा मर जाएगा। जाता हूँ फिर मैं भी घर भी देख के आता हूँ। तो भाई लोग बात ऐसी है वो तो अभी आ नहीं रहे, टाइम लग रहा है, लग रहा है टाइम लगेगा। तो इतने में हम उधर भंडारा चल रहा है कुछ खा के आते हैं, पेट पूजा करके आते हैं थोड़ी यार, इतनी देर से धूप में आंड रहे हैं, कुछ खाना पीना भी तो बनता ही है, घूमते थोड़ी रहेंगे यार ऐसे ही, समझ रहे हो ना। तो चलते हैं गाइस, इधर है यार घर, उन्होंने इधर ही बताया था, झंडे वगैरह लग रहे हैं। गाइस ये है गलियां उनके घर के आसपास की, पानी खड़ा है क्या बनाऊं? बड़े इसके बना दे भाई। क्या पूछूं? मंदिर इतना क्या ना भाई, हमारा भाई जीता है, बहुत खुशी है, तबीयत खुश हो रही है। अच्छा उनका घर कहाँ पर है यहाँ पे? घर ये अच्छा घर छोड़ दिया तू पीछे। अच्छा भाई मैं आऊंगा तेरा चाय करा ले जा। भाई लोग अभी फिलहाल हम जा रहे हैं नीरज चोपड़ा जी के घर, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हाँ हम उनके चाहने वाले हैं। हाँ हमारे देश का नाम उन्होंने रोशन कर दिया, क्या दिल से बधाई है। हाँ बहुत खुश है, बहुत खुशी की बात है भाई, आज नीरज चोपड़ा के घर जाने का जो मौका मिला है। हाँ बहुत खुशी है। इधर है ये वाला है अभी की, मैं भैया के घर गया, निकल ले चल निकल ले। कौन सा है ये वाला? कितनी भीड़ हो रही है गाइस देखो, सारा म्यूजिक कर रहे हो करो तो ले लो, माता जी का मम्मी का जो भी है ले लो। ओ भाई साहब इतनी भीड़ तो देखो, ओ भाई साहब ट्रैफिक तो देखो यार। तो गाइस ये घर हमारे नीरज चोपड़ा जी का, थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ इसके थोड़ा। अरे भाई वीडियो लाइव में लाएगा? ना लाइव नहीं हूँ मैं भाई, वीडियो बंद कर देगा तो लाइव पर ना, ना लाइव चल रहा है, लाइव नहीं हूँ लाइव नहीं। अरे तो फोन को ऐसे रख लिया वीडियो लोड नहीं। मेरे लिए भी ले आता है एक, देख लो गाइस घर बाहर से देख लो, अभी अंदर भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में अच्छे तरीके से। कई बार चर्चा करते हैं कि जो हमें लगता है जितना हम नीरज को समझ पाए हैं इतने सालों में, नीरज का टारगेट ओलंपिक मेडल नहीं था, नीरज का टारगेट एथलेटिक्स को नए आयाम देने का है, नीरज का जो आगे का टारगेट है वो भी भारतीय को किसी और आराम पर ले जाने का है, मेडल तो उसके रास्ते के कुछ फूल है जो चलते जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि नीरज अपने सपने को, करोड़ों देशवासियों के सपने को साकार करेगा और उनसे जितने बोलो 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 आप ये भी रहते हो।
अच्छा मिलने आए हो आप भी मिलने जाओगे। चलो अच्छा है, कैसा लग रहा है आपको? उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। बढ़िया, क्या कहना चाहोगे आप भी बताइए। नमस्कार सभी को, आज हम नीरज चोपड़ा के घर पहुँचे हैं। हमारे देश के लिए जो स्वर्ण पदक जीत के लेके आए हैं, उनके जीतने पर हमें बहुत नाज है, बहुत खुशी है। यहाँ पर पहुँचने पर सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस सारे ही बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, और बड़ी दूर दूर से आए हैं मिलने के लिए नीरज चोपड़ा जी से। यार दिल से अच्छा लगता है भाई। तो गाइस फाइनली मैंने भी देख लिया, और मैं रिपोर्टर तो हूँ नहीं कि भाई मैं बिल्कुल ही मतलब वेट करूँ, अच्छे तरीके से मिल के जाऊँ, समझ रहे हो ना? तो गाइस बड़ी दूर दूर से लोग मिलने से आया यार, बड़ी भीड़ हो रही है। अभी पियोगे पानी? गाइस बड़ा थक गया यार, अभी अच्छा लग रहा है, मौसम थोड़ा सही हुआ है अभी, इसलिए पूरा ठंडा होगा। ट्यूबवेल के पानी में मजा ही कुछ हो रहा है। मौसम देखो गाइस क्या ही बढ़िया हो रहा है यार। भाई लोग मान के अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, और जाते टाइम हमें ये भैया मिले हैं जो कि लिखते रहे हैं, मतलब घर के घर तक तो नहीं, मतलब काफी क्लोज है घर के, वहां तक जा रहे हैं तो छोड़ देंगे। ठीक है, कितने का है फलूदा? है 20 वाला देना ही। हाँ हाँ भाई साहब चिल्ड है, सही है, 20 का है ना। इस हम लोग नीरज चोपड़ा के गांव से हो आए हैं, हम लोग नहीं सॉरी मैं हो आया हूँ। तो और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी देख लेंगे नीरज चोपड़ा का गांव घर। क्या ही ग्रैंड फंक्शन था भाई, मतलब बहुत ही बड़ा ह्यूज फंक्शन था, ग्रैंड फंक्शन था यार, होना भी चाहिए भाई, गोल्ड मेडल जीत कर लाया यार। तो गाइस और यार गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सीरियसली बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। अभी मैं आराम करने की सोच रहा हूँ, तो गाइस मैं आराम करने जाऊँगा अभी। और तुम लोग एक काम करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर देना गाइस अपने सभी फ्रेंड्स में, और गाइस सब्सक्राइब तो कर देना, और साथ में उस बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस तुम्हें बहुत मजा आने वाला है आगे चल के मेरी वीडियोस में, ठीक है? तो गाइस बिल्कुल भी मिस मत करना। बाय बाय।